नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ गाइस आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती है? क्या आप करवटे बदलते रहते हैं? क्या आप चाहते तो हैं कि आपको नींद आए लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ पाती? सो दोस्तों, वह है समस्या अनिद्रा की। अनिद्रा मतलब इंसोमनिया की। चाहता है व्यक्ति कि रात में सोए लेकिन करवटे बदलता रहता है। हाय नींद तो कब आए, ऐसा ही सोचता रहता है और करवटे बदलता रहता है लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको होलिस्टिक केयर ऑफ इंसोमनिया के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सो दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि व्हाट इज इंसोमनिया, कि इंसोमनिया क्या होता है, इंसोमनिया के क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इंसोमनिया के क्या क्या कॉजेज हैं, इंसोमनिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं, इंसोमनिया के कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें आपको षटक्रिया बताई जाएगी, आसन बताया जाएगा, प्राणायाम बताया जाएगा, मुद्रा बताई जाएगी, ध्यान बताई जाएगी, और नेक्स्ट आपका ट्रीटमेंट में दूसरा है आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए जाएंगे, तीसरा आपको होम रेमेडीज बताई जाएंगी, और फोर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपने कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं सोने से पहले। ऐसे पूरा कम्प्लीटली होलिस्टिक पैकेज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंसोमनिया, कि अनिद्रा क्या है। तो दोस्तों, अनिद्रा हमारे बेसिकली कहा जाता है कि जब आप रात में सोने जाते हैं लेकिन आप करवटे बदलते रहते हैं, जो नॉर्मल आपको स्लीप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में आ जाना चाहिए लेकिन वो नहीं आ पाती है। अब जानते हैं कि इसके क्या है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल हमारे इंसोमनिया की। तो हमारा जो पूरा शरीर है, और शरीर की एक ग्लैंड है जो है हमारी पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, जो हमारे हमारे हेड रीजन पे होती है, बिल्कुल आप यहाँ से देखेंगे तो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, और पीनियल ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है ये हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है इसका सिक्रेशन हमारे रात में ही होता है। इस रात में ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, लेकिन जब इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसी मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन है वो कम होने लगता है। जो हमारी सर्केडियन साइकल्स है, जो हमारी साइकिल है वो इस कंडीशन में बिगड़ जाती है। तो ये तो रहा इंसोमनिया, तो जिसको आप जान सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इंसोमनिया के कौन कौन से ऐसे टाइप हैं, तो इंसोमनिया के दोस्तों 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक्यूट इंसोमनिया और दूसरा है क्रोनिक इंसोमनिया। तो एक्यूट इंसोमनिया में क्या क्या आते हैं, जैसे कि एक्यूट इंसोमनिया में जैसे आप कहीं शादी में चले गए हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया है, आपको कहीं पर जाना है, या फिर आपका घर में ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और बहुत सारे हमारे कहीं हमारे का ट्रेवल हो गया, कुछ हमारे साथ में एक्सीडेंट हो गया, हम मेडिकल कहीं हम किसी के घर चले गए हैं, या फिर कई सारी हमारे जीवन में अचानक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से अगर आपको 1 डे से लेकर 1 वीक तक अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है, या 1 मंथ तक भी अगर आप देखें तो अगर आपको चल रहा है तो यह एक्यूट इंसोमनिया के अंतर्गत आता है, जिसमें ये कुछ दिन तो चलता है लेकिन 1 हफ्ते के बाद या उसके बाद में अपने आप ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस जो एक्यूट इंसोमनिया है ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, या फिर इसके कुछ ही दिन समय हमें इफेक्ट करता है लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल नींद जैसे स्लीप होना चाहिए वो हो जाती है। सो दोस्तों, दूसरा जो इंसोमनिया है वो है क्रोनिक इंसोमनिया। क्रोनिक इंसोमनिया में क्या होता है कि जो आपका 6 मंथ से लेकर 1 ईयर से भी ज्यादा आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप करवटे बदलते रहते हैं,
फिर भी आपको नींद नहीं आती है, तो ये जो समस्या है इसमें कई सारी, अगर आपको क्रोनिक इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, इस ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तीन चीज़ें स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए हैं, पहला है आहार, दूसरी है निद्रा और तीसरी है ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों जो जो निद्रा है, ये निद्रा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जिसको अगर रात में नींद नहीं आती है तो उन्हें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, मेटाबॉलिज्म चेंज होने लगता है, उन्हें चिड़चिड़ापन लगने लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनका मूड स्विंग होने लगता है, वो बहुत कुछ काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें लेथार्जीनेस महसूस होता है। सो दोस्तों ये थे कि एक्यूट इंसोमनिया और क्रोनिक इंसोमनिया। सो अब हम जानेंगे दोस्तों इसके कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो हमारे इंसोमनिया के वजह बनते हैं। सो दोस्तों इंसोमनिया के अगर बेसिकली हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है इंसोमनिया का, वो है हमारी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हमारा कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि हमें स्ट्रेस कई वजह से होता है, हमारा ऑफिस का स्ट्रेस, हमारे जॉब का स्ट्रेस, हमारे पर्सनल स्ट्रेस, हमारा इमोशनल, हमारी कई सारी ऐसी वजह होती है लाइफस्टाइल। जैसे हम रात में हमारे सोने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो ये इसके हमारे कॉज में हो सकते हैं। दूसरा अगर हम कॉज देखें वो है आपका मेडिकल कंडीशन, जैसे जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, जिन्हें अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, जिन्हें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो इस कंडीशन में जो क्या है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है। जैसे जिन्हें कैंसर हो जाता है उन्हें भी रात में नींद नहीं आती है, उन्हें बेचैनी रहती है कि मेरे शरीर को कैसे मैं ठीक करूं। एक प्रकार से उन्हें बहुत ज़्यादा अपने लिए एक अभिनिवेश योग में कहा गया है, मृत्यु का भय होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है। सो दोस्तों ये थे कॉजेज जिसकी वजह से व्यक्ति को, और नेक्स्ट अगर कॉजेज है जो सबसे ज़्यादा अभी की वजह है वो है हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट में, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ये सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों अभी बना अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर हम देखें, मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था, जैसे ही हम मोबाइल इस तरीके से चलाते हैं तो हमारे मोबाइल में हमारे रेज निकलती हैं लगातार। अगर ब्लू या रेड निकल रही है, ब्लू हमारे रेज निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रात में आप फ़ोन चलाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी, मैंने आपको बताया कि रात के समय कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है, मेलाटोनिन का। तो रात में जब आपको सोने का समय है उस समय आपकी आँख को के पास में रेज आती है, तो ऐसा लगता है कि आज तो दिन है, जैसे दिन ही हो रहा है, ऐसा सिक्रेशन होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों जब आप रात में सोने जाएं तो आप अपने मोबाइल को दूर रखें, अपने काम लगभग आधा से एक घंटा पहले ही अपने मोबाइल को दूर रखें और आप सो जाएं। दोस्तों आप रेगुलर जब इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंसोमिया से आपको निजात मिलता चला जाएगा। आपको इसकी जो ट्रीटमेंट तो हम अगले बताएंगे ही, लेकिन आपको जो समस्या हो रही है उसका समाधान अपने आप ही आपको मिल पाएगा। दोस्तों काम जिंदगी भर आपके कम नहीं हो सकते, क्योंकि मोबाइल आज की आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल है तभी आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, लेकिन उसको संयमित रूप से आप मोबाइल का यूज करें। सो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंसोमनिया में व्यक्ति को दिखते हैं। फर्स्ट उसको इंडाइजेशन रहेगा, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, लेथार्जीनेस महसूस होगी, सैडनेस रहेगा बॉडी में, उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगी, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उस व्यक्ति कर नहीं पाते हैं। और इंसोमनिया का बहुत बड़ा कारण है, इंसोमनिया की वजह से ही व्यक्ति को अलग अलग बॉडी में जो है उनको नमनेस की जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल स्टार्ट हो जाता है, फेस में झुर्रियाँ आने लगती है, फेस का जो ग्लो है वो कम होने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ कि व्यक्ति का मूड एकदम स्टेबल नहीं होता है, मूड हमेशा स्विंग करता रहता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सिम्टम्स जो इंसोमनिया की कंडीशन में दिखते हैं।
सो दोस्तों हम नेक्स्ट जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से आप ठीक कर पाएंगे। सो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जो ट्रीटमेंट में वो ध्यान रखना है वो है षटकर्म। षटकर्म क्या है? योग में षटकर्म क्रिया बताई गई है जो हमारी जलनीति का अभ्यास जरूर आप करें। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है जलनीति का, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जलनीति का वीडियो मिल जाएगा, अब वहां से आप देख कर आप जलनीति का अभ्यास कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है हमारा आसन। आसन में आप कौन कौन से ऐसे आसन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आसन आता है वो आता है आपका नॉर्मल सीटिंग पोस्चर्स में। आपको इस तरीके से बैठ जाना है नॉर्मल सीटिंग पोस्चर्स पर और अपने पूरा ध्यान अपने आती जाती श्वास पर रखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इस पर आपकी पूरी मेंटल अवेयरनेस हो। इसमें सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो है ग्रीवा संचालन। इसमें आपको क्या करना है, जिन्हें भी रात में नींद नहीं आती है तो इनहेल करते ही अपनी नेक को अप करना है, ठीक है, फोर्सफुली इनहेल करना है, देन स्लोली एक्सहेल करते अपने नेक को आगे की ओर लाना है। फिर से इनहेल करना है एंड स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है। Once again, inhale, slowly, slowly exhale. इस तरीके से आप अपनी गर्दन को आगे की ओर ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम आसन बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है वो है हमारा शवासन की स्थिति, बहुत ही बेनिफिशियल बताई गई है। नेक्स्ट और तीसरा आसन है हमारा शशांक आसन, जो हमारे नींद के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आसन जो आता है वो है आपको मकरासन। मकरासन कैसे करना है दोस्तों? मकरासन के लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है आपको, और मकरासन के लिए और अपने गर्दन को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल बिस्तर में ऐसे लेट जाना है। अपने जो दोनों पैर है उसको पीछे से फोल्ड करते हुए अपने हील डिजाइन पर आपको लगाते जाना है। सो दोस्तों हमने आपको ये बताया कि कैसे आप मकरासन की स्थिति आप कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जिनको रात में नींद नहीं आती है तो जो अगला आसन आप कर सकते हैं, आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथ को रखना है और अपने गर्दन के पीछे ऐसे लगाना है, एक्सहेल करते अपने एल्बो को मिलाने का प्रयास करना है। अगर इतना कर पाए इतना करिए, इतना कर पाए इतना करिए, इनहेल करते हुए ओपन करिए, देन एक्सहेल देन इनहेल, एक्सहेल देन इनहेल, इस तरीके से आप इस अभ्यास को 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। सो दोस्तों ये है आपके आसन के जो आप कर सकते हैं। आसनों में आपको ये प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं, इसको आप जरूर करें। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका आसनों के बाद हमारा प्राणायाम, कि कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको हम जो बताएंगे वो है आपका अनुलोम विलोम का अभ्यास। प्रारंभ में अगर आपको योगा प्रैक्टिसेस आप अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रारंभ में किया जाता है, इसके बाद धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिसेस को बढ़ा भी सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को थंब के फिंगर टिप्स में मिलाइए, बाकी के 3 फिंगर को स्ट्रेट रखते हुए लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड को इंडेक्स फिंगर देन मिडिल फिंगर को रूट ऑफ द थंब में लगाएं और अपने अंगूठों को इस तरीके से करें। इस मुद्रा को कहा जाता है प्रणव मुद्रा। अपने प्रणव मुद्रा करते हुए अपने राइट हैंड के थंब को राइट नॉस्ट्रिल्स पर रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, देन क्लोज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। फिर से ध्यान से सुने, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, देन क्लोज करें, देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। ऐसे दोस्तों आपको बिल्कुल सोने से पहले या अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करें। इसको आपको लगभग 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना है। इसमें आपकी कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद ही रहोगी दोस्तों। इसको कंटिन्यूटी के साथ आपको करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हम दूसरा प्राणायाम बताने जा रहे हैं, उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम भी दोस्तों आपको कैसे करना है, हमें
बहुत ही पॉइंट को प्रेस करते हैं, जैसे आपका जो अंगूठा होगा बिल्कुल आपके ईयर में इस तरीके से क्लोज करना है, अपनी छोटी फिंगर को अपने चिन के बिल्कुल ऊपर रखना है, अपने रिंग फिंगर को अपने नोज में, अपने मिडिल फिंगर को आपको बिल्कुल आईज के सेंटर में और इंडेक्स फिंगर को आपको साइड में। इस तरीके से आपको दोस्तों यह पॉइंट को प्रेस करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करना है। कैसे? इनहेल, देन थ्री टाइम भ्रामरी प्राणायाम, इस तरीके से आप सोने से पहले तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करें। इसमें आवाज आनी चाहिए भोरे के समान। तो दोस्तों हम अब तीसरा प्राणायाम जानेंगे, उस प्राणायाम का नाम है समवृत्ति प्राणायाम। समवृत्ति प्राणायाम में कैसे करना है आपको, शांत चित होकर इस तरीके से सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है, अपने लेफ्ट हैंड को अपने थोरक्स रीजन पर रखना है, राइट हैंड को अपने नेवल रीजन पर रखना है। इसमें डीप इनहेल करना है, देन फोर्सफुली आपको एक्सहेलेशन नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको एक्सहेल करना है। फिर से डीप इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनहेल करते हुए आपका एब्डोमिनल बाहर की ओर जाए, एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर। वन सेकेंड डीप इनहेल, वन सेकेंड डीप इनहेल, इस तरीके से आप इस धीरे धीरे आंख को खोलने के बाद में इस तरीके से आप थ्री टाइम अविश प्राणायाम को, समवृत्ति प्राणायाम को करें। तो दोस्तों हम लास्ट आपका फोर प्राणायाम आता है, वो आता है उद्गीत प्राणायाम। तो दोस्तों उद्गीत प्राणायाम में आपको इसमें तीन अक्षर आते हैं, अ उ एंड म, तो जिसमें आपको म का दीर्घ उच्चारण करना है। कैसे? इस तरीके से आप तीन प्राणायाम, आप थ्री टाइम आपको म का उच्चारण करना है। इस प्रकार हमने अनुलोम विलोम, आपका भ्रामरी प्राणायाम, शीतवृत्ति प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, ओम चेंटिंग, आप इसको 11 टाइम थ्री राउंड से बढ़ाकर 11 टाइम भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे प्राणायाम जो आपके इंसोमनिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 100% दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको करेंगे तो बिल्कुल आपके जो इंसोमनिया की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो जानेंगे जो इंसोमनिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो है मुद्रा। मुद्रा में सबसे पहले हम जिस मुद्रा को जानेंगे, ये मुद्रा का नाम है नासिका दृष्टि मुद्रा। कौन सी? नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा। इसमें आपको क्या करना है, अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें, अपने
आंखों को बिल्कुल अपने नोज के टिप में देखें। दोस्तों ये मुद्राओं में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कही गई है, मुद्राओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आप इसको इस मुद्रा को आप रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है तो उसे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे विचार सोने से पहले आते हैं। तो आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। कैसे करना है, इस तरीके से कमर गर्दन सीधी रखना है, अपने दोनों आँखों से बिल्कुल अपने फिंगर आपके नोज के टिप में देखने का प्रयास करना है। इस तरीके से आपको कंटिन्यू नोज के टिप में देखना है। अगर आपको चक्कर, इसमें हल्का सा चक्कर आते हैं तो आपको उसको महसूस करना है और अपनी आंखों को सहजता से बंद करते हुए पूरा ध्यान आपके थर्ड आई चक्रा पे रखना है। इस तरीके से आप आंखें खोल सकते हैं। जो सेकेंड मुद्रा जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो है हमारी आकाश मुद्रा। इसको कैसे किए जाते हैं, अपने जब भी आप खाली टाइम में हो अपने थंब एंड मिडिल फिंगर को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों पर रखना है और आंखें बंद करते हुए इस तरीके से बैठना है। इस मुद्रा को 15 से लेकर 20 मिनट तक आप जब भी आपको रात में सोने से पहले इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। इसको 15 से लेकर 20 मिनट तक इस आकाश मुद्रा को आप ध्यान करें, इससे आपके जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होते चले जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलता जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट जो आपको हम बताने वाले हैं वो है मुद्रा के बाद में आपको नेक्स्ट आप त्राटक का अभ्यास जरूर करें। जब भी आप प्रातःकालीन जब आप सुबह उठें तो त्राटक का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि त्राटक इस इंसोमनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको जानना है कि त्राटक कैसे किया जाता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर आप त्राटक कैसे किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। सो दोस्तों ये थे आपके त्राटक क्रिया, और त्राटक क्रिया में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, इसके बेस में ही आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं और हमने हजारों जो पेशेंट है उसको कराया है और बिल्कुल इंसोम्निया में उनको रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है आपकी ध्यान, जिसमें ध्यान आपको जब भी आप हैं फ्री टाइम में हैं तो आप शून्य मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। अगर आपको जानना है कि कैसे आप शून्य मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप हमें कॉल करके आपको शून्य ध्यान हम करवा देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जानेंगे वह है कि को एक सबसे जो बेनिफिशियल वह है योगिक स्लीप, योग निद्रा। सोने से पहले जब भी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें। जब भी आप फ्री टाइम हैं इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, योग निद्रा कैसे की जाती है, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाकर योग निद्रा कैसे किया जाता है उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा योगिक ट्रीटमेंट कि क्या क्या आप योगा प्रैक्टिसेस के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड जो थेरेपी में हमें यूज करना है वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो इंसोम्निया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथ को रब करना है और इसमें ऑयलिंग करना है। और ऑयल कौन सा लगाएं, इस तरीके से आप नारियल कोकोनट ऑयल लें, दोनों हाथ की हथेलियों पर रखें और इसको इस तरीके से इंडेक्स फिंगर नीचे होगा थंब को पढ़ते हुए अपने हाथ की जो फिंगर हैं इस फिंगर को आपको 10-10 टाइम इस तरीके से आप मसाज करें। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट, लेफ्ट हैंड से 10-10 टाइम, राइट हैंड से 10 टाइम्स। फिर सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, जो फिंगर टिप्स हैं इसको इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हुआ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको आप दे सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है, जो आपके यहाँ पर पॉइंट होता है 1, 2 एंड 3, एक बार देख सकते हैं आप 1, 2 एंड 3, इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेशर देना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर दबाव देना है और इसको रोटेट करना है। यहाँ पर 1 मिनट तक प्रेशर दीजिए, फिर देन यहाँ पर 1 मिनट तक प्रेशर दीजिए और यहाँ पर फिर 1 मिनट तक प्रेशर दीजिए। दोस्तों ये लेफ्ट हैंड में भी पॉइंट होता है तो इसको आप ध्यान रखें। सो दोस्तों ये थे एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको आप प्रेस करते हुए
आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट जो आपको थेरेपी बताने वाला हूँ वो है आपकी मर्मा थेरेपी, जिसमें मर्मा थेरेपी में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट होता है वो हमारा यहाँ पर होता है, जिसको कहा जाता है स्थपनी मर्मा पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने थर्ड आई चक्रा को अपने मिडिल फिंगर पर रखना है और अपने मिडिल फिंगर को इस तरीके से आपको प्रेशर देके रखना है और आपको इसको रोटेट करना है 1, 2, 3, 4 and 5, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 and 5। इस तरीके से आप शुरुआत में धीरे धीरे आप 5 राउंड से धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इसको 20 राउंड तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है मर्मा पॉइंट, उसमें आपको क्या करना है, ये बिल्कुल कान है, इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पर पॉइंट होता है, आपके बिल्कुल इस कान के ऊपर देखेंगे, इस तरीके से क्या करना है आपको मसाज करना है 1, 2, 3, 4 and 5, एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2 and 1। इस तरीके से दोस्तों ये आपके मर्मा पॉइंट थे, जिसको आप प्रेस करके आप इंसोमनिया से निजात पा सकते हैं। सो दोस्तों, हम जो नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी होम रेमेडीज, कि कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस में जिसको आप अभ्यास करते हुए आप इस इंसोमनिया से निजात पा सकते हैं। सो दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि नस्य क्रिया के बारे में, नस्य क्रिया क्या होती है, इसमें आपको रात में सोने से पहले देसी गाय का घी, आप दोस्तों देसी गाय का घी कहीं भी आपको मिल जाएगा, आप अगर शहर में रहते हैं तो गांव से किसी से बातचीत करके या फिर आप कहीं से भी आप मिल करके सिर्फ थोड़ा सा आपको घी लेना है और घी को हल्का सा गुनगुना करना है और गुनगुना करने के बाद आपको रात में सोने से पहले लेफ्ट नॉस्टिल्स में 2 बूंद, राइट नॉस्टिल्स पे 2 बूंद हल्का सा गुनगुना करके लेफ्ट एंड राइट में दोनों नॉस्टिल्स में आप 2-2 बूंद आप देसी गाय का घी डालें और हल्का सा इनहेल करें और उसके बाद आराम से सो जाएं। आप देखेंगे दोस्तों, आपको इतनी ज्यादा गहरी नींद आएगी कि बिल्कुल आप इस समस्या से आपको निजात मिलते चले जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका होम रेमेडीज है, इसमें आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले आपको पूरे अपने हाथ पैर को आपको धो लेना है, जिसमें पैर के तलवों को आपको बहुत ज्यादा धोना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो स्नान कर पाए, क्योंकि कहा गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो काम करते हैं बहुत ज्यादा या फिर आप जिम जो कोई जिम जाता है तो बहुत ज्यादा पसीना से लथपथ हो जाता है, उसके बाद में रात में वो अगर रात में अगर आप सोने से पहले अगर आप स्नान करके सोते हैं तो इससे भी बहुत ही अच्छी नींद आती है। लेकिन आयुर्वेद में इसमें मना किया गया है कि रात में आप स्नान करके सोएं, लेकिन देश काल परिस्थिति और किसी रोग के अनुसार आप कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप रात में सोने से पहले स्नान आप जरूर करें। दोस्तों, तीसरा है कि बहुत ही ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो रात में सोने से पहले आप दूध का प्रयोग जरूर करें। अगर दूध में अगर आप देसी गाय का पिए तो बहुत ज्यादा उत्तम है, अगर भैंस का भी अगर मिल पा रहा है आपको बफेलो का भी तो आप दूध को जो है सो पीकर जरूर सोए। अगर आप दूध में हल्का सा आप मखाना या फिर आप बना पाएं उसमें डाल के भी पी पाएं तो वो भी बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होता है इस इंसोमनिया की प्रॉब्लम में। दोस्तों, तीसरा आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि भोजन में ज्यादा से ज्यादा आपको प्याज का सेवन करना है, क्योंकि प्याज में सल्फर मैग्नीशियम होता है जो नींद के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, इसलिए आयुर्वेद में सबसे अच्छी जो बताया गया है हमारे अष्टांग हृदय में अनिद्रा की प्रॉब्लम के लिए वो प्याज के बारे में बताया गया है, तो प्याज का कच्चे प्याज का सेवन आप जरूर करें। सो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं, जिस होम रेमेडीज हैं जिसका आप प्रैक्टिस करके आप इस इंसोमनिया से निजात पाएंगे। मैंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक बताया जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसको अभी आप देख करके बिल्कुल 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप इंसोमनिया की जिसको अगर प्रॉब्लम है, हमने दोस्तों ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जिसको 10 साल से इंसोमनिया की प्रॉब्लम थी और इस प्रैक्टिस का उन्होंने करते हुए बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। सो दोस्तों, आप जाने कि कैसे इसको करना है। सो दोस्तों, जब आप रात में सोने जाते हैं तो इस तरीके से आपको शवासन की स्थिति में लेट जाना है और अपने धीरे धीरे आपको अपने राइट साइड की करवट में इस तरीके से लेट जाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप राइट साइड की करवट
आपको 5 मिनट तक रात में सोने से पहले इस तरीके से आपको 5 मिनट तक लेटे रहना है। जब 5 मिनट हो जाए तो धीरे धीरे आपको इस तरीके से सीधा शवासन की स्थिति में लेट जाना है। दोस्तों मैं आज आपको एक ये ऐसी ट्रिक्स है जो मैंने हजारों पेशेंट को बताया हुआ हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको राइट नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करना है और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आपको एक्सहेल करना है। ऐसा आपको 50 से लेकर 51 बार 51 टाइम आपको लेफ्ट से इनहेलेशन और लेफ्ट से एक्सहेलेशन आपको करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो आपको बता रहा हूँ कि जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये हमारी जो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही होती है, ये हमारे इंसोमनिया की प्रॉब्लम, जिसमें व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स चलते हैं जिनको आपको नहीं लाना है। फर्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का डर अगर उसको बना रहता है, उसकी वजह से भी उसको नींद नहीं आ रही है। सो दोस्तों आपको जिंदा जो भी डर है उसको सबसे पहले आपको रिलैक्स करना है। दूसरा, अगर व्यक्ति किसी भी बात के बारे में सोचता रहता है कि फ्यूचर में कब होगा, कल कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, बच्चे कैसे होंगे या फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, जिसके बच्चे हैं तो क्या पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, कल मैं कुछ मेरे साथ कुछ तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसे वो हमेशा सोचते रहते हैं और उसी की वजह से क्या होगा, व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, नहीं आती है। दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है किसी भी प्रकार का गिल्ट होना। अगर व्यक्ति को गिल्ट अगर किसी बात पर हो रहा है, चाहे पास्ट में जो बातें हुई हैं उसके वजह से गिल्ट होना, तो दोस्तों आपको गिल्ट का जो भाव है वो बिल्कुल नहीं रखना। और जो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो फोर्थ में बातें बता रहा हूँ वो है आपका अकेलापन। अगर किसी व्यक्ति को अकेलापन बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वजह से भी जो है व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है। दोस्तों जब एज बढ़ने लगती है तो आपने देखा होगा कि उनकी नींद अपने आप ही जो है कम होने लगती है, क्योंकि उन व्यक्ति को अकेलापन महसूस होने लगता है। और यंगेस्ट अगर आप बीच में अगर देखें, यंगेस्ट की अगर देखें, तो दोस्तों उस वजह से भी लोग अकेलापन फील करते हैं, उसकी वजह से भी जो है व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको साइकोलॉजिकल कारण बताया जिसकी वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो दोस्तों आपको ये चीजें भूल जाना है, पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, इस भाव के साथ आपको सोना है। दोस्तों मैं दो ऐसी साधनाएं बता रहा हूँ जो आपको अपने जीवन में अपनाना है। सबसे पहले आपको रात में सोने से पहले आपको ऐसा भाव करना है कि आज मेरी मृत्यु हो रही है, और जैसे आप सुबह उठें तो आपको ऐसा अनुभव करना है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। तो दोस्तों ये आप इस जो साधनाएं हैं जो मैंने आपको बताया, रात में सोने से पहले आपको मेरी आज मौत हो रही है ऐसा भाव करना है, और सुबह उठते हैं तो ऐसा आपको भाव करना है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाया हूं कि जो आपको हर बहुत सारी जो थेरेपी हैं इसमें इंक्लूड की गई हैं। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान बताया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने जो कुछ भी आपको अभी तक बताया इसको अपने जीवन में जरूर पालन करें 100%। दोस्तों मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये जो मैंने बताया इसका अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो दोस्तों फिर भी आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी परेशानी से ना त्रस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।